उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के शहर गोरखपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गोरखपुर में एम्स का क्याम हो, ये गोरखपुर आवाम की ख्वाहिश थी जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमात के लिए इसे जनवरी या फरवरी 2019 से इसका आगाज किया जाएगा और हुकूमत इस बात की भी कोशिश करेगी कि 2020 में MBBS के तरबा तालिबात के दाखिले का आगाज हो। गोरखपुर में एम्स बने लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन एक कल्पना को साकार किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। एम्स का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, बड़े पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ है। हमारा प्रयास है कि हम लोग जनवरी फरवरी 2019 में इसकी OPD प्रारंभ कर सकें। हमारा प्रयास है 2020 में यहां पर एम्स में MBBS के 100 छात्रों के प्रवेश की सुविधा हम प्रारंभ कर सकें और यहां पर प्रवेश की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा सकें। इस दिशा में पहली बार गोरखपुर में एम्स की सुविधा से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग आच्छादित हो रहा है, उसी सुविधा से लाभान्वित होगा। अक्टूबर में BRD मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से 8 नई सुपर स्पेशलिटी के जो नए भवन का निर्माण का कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। हमारा प्रयास है कि नवंबर में हम लोग 8 नई सुपर स्पेशलिटी BRD मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे।